यदि मैं वृंदावन से पृष्ठ होके चली गई तो सबको कितना दुख होगा ना। अर्थात हमारी राधा रानी बरसाने वापस नहीं जा रही? नहीं। तो राधा रानी जी, आपके श्रृंगार की सारी सामग्री आपके महल में पुनः रख दे। अवश्य। ठीक है। अभी जो मैं देख रहा हूँ, क्या वो सत्य है कान्हा? तुम दोनों में मित्रता कब हुई? अब आप तो मुझे जानते हो दाऊ, यदि मेरे साथ कोई थोड़ा भी समय व्यतीत करे तो वो मेरे मित्र बन ही जाते हैं। परंतु तुम्हें राधा के साथ समय व्यतीत करने का अवसर कब मिला? तभी जब मैं आप सबके साथ समय व्यतीत कर रहा था। अच्छा, तो अब मुझे तुम्हारा खेल समझ में आया। अब राधा को राधा रानी बनाने के लिए ऐसे खेल तो खेलने ही पड़ेंगे ना दाऊ। अब देखना, आगे आगे तो इस खेल में और भी अधिक आनंद आने वाला है। खेल नहीं कान्हा, लीला। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, मेरे बुलाने पर इतने कम समय पर यहाँ पर उपस्थित हो गए। तो मित्र बुलाए और मित्र ना आए, ये कभी नहीं होगा। वो मैं जानता हूँ मित्र, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि तुम महाराज कंस से प्रथम मिल चुके हो। और तुम ये भी जानते हो मित्र कि महाराज कंस के कारण हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ मित्र, परंतु बरसाना के लोगों को सहायता की आवश्यकता है। हमारा गांव निर्जन हो चुका है, पुनर्निर्माण के लिए संसाधनों की आवश्यकता है और अधिकतम धन की आवश्यकता है जो हमारे पास है नहीं। मैं समझ सकता हूं मित्र, इसीलिए तो तत्काल तुम्हारा साथ देने के लिए मैं यहां चला आया। अब तो नारायण से बस यही प्रार्थना करता हूं, जिस उद्देश्य के साथ, जिस इच्छा के साथ तुम यहां आए हो, उसे महाराज कंस पूर्ण करे। तो चले मित्र। हाँ मित्र। सावधान, मथुरा के राजा महाराज कंस पधार रहे हैं। अक्रूर, वृंदावन का मुखिया यहाँ क्या कर रहा है? महाराज, वो अपनी कोई समस्या लेकर आए हैं। महाराज आपकी समस्या सुनने के लिए तत्पर हैं। प्रणाम महाराज, मेरा नाम ऋषभान है और ये बरसाना वासी है। मैं बरसाना का मुखिया हूं और ये मेरे प्रिय मित्र नंद जी हैं। हम सब यहाँ पर आपसे सहायता मांगने आए हैं। ओ, क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज, एक दिन पहले जो आंधी आई थी उसने बरसाना के अधिकतम भाग को नष्ट कर दिया है। घर, खेती, घाट सबका बड़ा नुकसान हुआ है महाराज। हम अपने प्रिय गांव बरसाना का पुनर्निर्माण करने के लिए किसी भी तरह का कष्ट लेने के लिए सज्ज हैं, परंतु हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। आंधी की मार तो सबको झेलनी पड़ी है, केवल बरसाने को तो नहीं, आंधी के कारण वृंदावन में भी भारी नुकसान हुआ होगा ना? हुआ है महाराज। तो क्या तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता है महाराज, परंतु मुझे लगा कि आप व्यस्त होंगे, आप हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे, इसीलिए। कदापि नहीं। मथुरापति कंस अपनी प्रजा के लिए सदैव तत्पर रहता है। कंस आप सबकी सहायता करेगा, निश्चिंत रहो। धन्यवाद महाराज, हम जानते थे महाराज कि आप हमें कभी रुष्ट नहीं करेंगे। अवश्य, ये तो मेरा कार्य है, किसी दुखी के मुख पर प्रसन्नता लाना। चिंता मत कीजिए, आप सभी की पूर्ण रूप से सहायता होगी। अब आप सभी जा सकते हैं। कान्हा, मामा कंस अवश्य ही कोई योजना बना रहे हैं बरसाना और वृंदावन के विरुद्ध। हाँ दाऊ, आप सत्य कह रहे हो।
ये क्या कान्हा, यहाँ परिस्थिति विकट हो रही है और तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं। ये खेल ही ऐसा है जिसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अर्थात हमने तो मामा जी के साथ कितने खेल खेल लिए, अब राधा की बारी। क्योंकि अब राधा को राधा रानी बनना है तो उसके लिए मामा श्री का ये खेल तो आवश्यक है ना दाऊ। मैं प्रसन्न हूँ मित्र, अंततः महाराज कंस से हमें सहायता मिल ही जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं मित्र, अब महाराज की सहायता से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ ही दिनों के लिए कीर्तिदा और मेरी पुत्री राधा को वृंदावन में रहना है। पूर्णिमा होते ही मैं शीघ्र ही उन्हें लेने आ जाऊंगा। तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो मित्र, राधा हमारे साथ एकदम से ठीक रहेगी। और अब तो हमारी राधा ने अपने मित्र भी बना लिए हैं। राधा नहीं, राधा रानी। तुम आओ आओ, हम तो खेलने जाने के लिए निकल रहे थे। अच्छा हुआ तुम आ गई। बलराम राव, ये बताइए कि कंस कौन है? अक्रूर ने मुझे पहले ही सूचना दे दी थी कि ऋषभान की पुत्री राधा वृंदावन जाने वाली है। इस ऋषभान को हमारी सहायता की आवश्यकता है, उसकी पुत्री नंद के घर पर है। अक्रूर, पता लगाओ कि हम इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं या नहीं। यदि हाँ तो किस प्रकार, पता लगाओ कि क्या हम अपनी इस योजना के लिए उस विश्वान की पुत्री राधा का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। ये महाराज राधा। अरे दाऊ बताओ भी, कंस है कौन? कौन कंस? ऐसा तो कोई नहीं है। क्यों कान्हा? कान्हा को कहाँ पता होगा। चलो चलो खेलने चलते हैं। रुकिए दाऊ, मैंने अभी अभी सुना आप कंस के विषय में कुछ बात कर रहे थे। कान्हा, इसने कब सुन लिया? क्योंकि अब राधा रानी भी आपकी तरह मुझे सुन सकती है दाऊ, मन की भाषा। काना बताओ ना, ये कंस मामा कौन है? कंस हमारे मामा जी है, वो सदैव हमारे साथ कोई ना कोई खेल खेलते रहते हैं। अब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार भी मामा श्री कोई भव्य खेल की योजना बना रहे हैं। मुझे भी उनके साथ खेलने का अवसर मिलेगा ना? क्यों नहीं, अवश्य मिलेगा। तब तो मैं तुम्हारे मामा कंस के साथ खेल खेलने के लिए आतुर हूँ। मैं भी। क्या हुआ दाऊ, ऐसे क्यों देख रहे हो? राधा तुम्हें सुन सकती है, ये बात भी तुमने मुझसे छिपाई। क्षमा कर दो दाऊ, मैं तो आपको बताने ही वाला था। देख रहा हूँ मैं, राधा के आने के पश्चात तुम्हारे मनोभाव बदल गए हैं। दाऊ, क्या मैं कभी आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ? हाँ हाँ रहने दो, दाऊ हूँ मैं तुम्हारा, सब समझ रहा हूँ मैं। क्या योजना है? कान्हा तुम्हें बता देगा। तुम्हें ज्ञात हो जाएगा राधा रानी, परंतु अब ये बात गोपनीय है कि हम तीनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी को इस विषय में पता ना चले, ध्यान रखिए। ठीक है, परंतु कान्हा इस खेल का आरंभ शीघ्र ही होने वाला है, परंतु अभी भी मुझे लग रहा है कि खेल में राधा को सहभागी करके आनंद आने वाला है। अब तो ये खेल और भी रोमांचक होगा।
खेल में आपके साथ राधा रानी भी जुड़ गई है। बहुत भव्य खेल खेलेंगे हम, क्यों कान्हा? हाँ राधा रानी। पर राधा रानी, तुम इस खेल में नई हो और... अरे मेरे प्रिय दाऊ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। दाऊ आप इतने चिंतित ना हो, खेल भव्य होगा, बहुत आनंद आएगा और सुरक्षित भी होगा। ठीक है राधा रानी, ये गोपनीय बात बस तुम तक ही रहनी चाहिए, ठीक है? राधा आई माँ। मैं अभी आती हूँ।